सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का सपना आखिरकार पूरा हो गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और द ईस्टर्न पेरिफेरल बनकर तैयार हो गया और आज इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि पीएम मोदी ने आज के दिन ही इस उद्घाटन के लिए क्यों चुना। दरअसल इसकी खास वजह यह है कि आज नितिन गडकरी का जन्मदिन है, इसलिए पीएम मोदी ने ये दिन चुना है। वहीं अगर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करें तो 14 लेन वाले इस हाईवे को बनाने में लगभग 7,500 करोड़ रुपए का खर्च आया और ये एक्सप्रेसवे रेड लाइट से मुक्त होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे सबसे व्यस्तम हाईवे में से एक है। सबसे बड़ी बात तो है कि इस हाईवे को एक ही रास्ता भी खोला गया है और ये परियोजना मार्च 2019 तक कंप्लीट होने की बात बताई जा रही है। वहीं अगर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात करें तो 135 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 500 दिनों में बनकर तैयार हो गया। आपको बता दें इसे बनाने की शुरुआत साल 2015 में हुई थी और 2018 तक बनकर ये तैयार हो गया है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।